हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं साक्षी को लेके जा रही हूँ अपने आंटी के घर। तो ये मेरे घर के पीछे वाली गली है, तो इसमें है मेरी आंटी का घर। तो मम्मी गई हुई है पहले से, तो मैंने सोचा अब साक्षी को भी लेके चलती हूँ। एक्चुअली उनका पोता है, वो साक्षी के ही एज का है, लेकिन वो अभी नानी के घर गया हुआ है, इसलिए साक्षी आंटी के घर नहीं जानती है। तो वो सोच रही है कि मुझे घुमाने लेके जा रही हैं, लेकिन अब मैं लेके जाऊँगी आंटी के घर पे। ये मेरी आंटी का घर आ गया है, और उसको पता चला कि आंटी का घर है तो वो रोने लग गई, अंदर जा नहीं ही जाना चाहती थी। और आंटी ने गेट खोला और बोल भी रही हैं कि आओ साक्षी, आओ अंदर, आओ नानी है अंदर, लेकिन वो रोने लग गए कि नहीं जाना। उनका पोता होता तो वो ज़रूर जाती, अब बच्चे बच्चे में खेलते तो बोर हो जाती हैं इनके घर में, तो वो नहीं जा रही है। तो फिर मैं नहीं लेके जाऊंगी, तो मैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के साथ ही उसे छोड़ दूंगी, तो वो वहीं खेलेगी साथ में बच्चों के साथ। तो ये बच्चे खेल रहे थे तो मैं इनके साथ ही इसको छोड़ दूंगी कि जाओ खेलो, तो खेलेगी। लेकिन बच्चों के साथ इतना नहीं खेलते, अकेले से ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना। तो ये बच्चे ऐसी बैट बॉल खेल रहे हैं, वो साक्षी को हटने के लिए बोल रहे कि हट जाओ नहीं तो आपको लग जाएगी बॉल। तो मैं साक्षी को थोड़ा और आगे लेके जा रही हूँ। ये है इसका फेवरेट प्लेस, यहाँ पे इसको बहुत मज़ा आता है, यहाँ बहुत खेलती है। इस जगह फर्श पे जंप करेगी कभी कभी, तो लेट भी जाती है। तो ये अभी देखो, ये है इसका फेवरेट जगह। एक बार ऐसे डॉगी बगल में सोया होता तो उसको देख के सो भी रहते। देखो लेटने की कोशिश कर रही है, और मैंने किया मना किया नहीं, बेटा लेटो मत। अभी मैं इसको फ्रेश करा के लाई हूँ, फिर दोबारा से कपड़े गंदे कर देगी तो अपने आप ही खेलेगी। तो इन सीढ़ियों पे चढ़ती है फिर उतरती है, तो ऐसे ही इसे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ थोड़ी देर में लेके जाऊँगी वहाँ आंटी के घर पे। अब उनके घर पे जाती है तो वो कुछ खाती होती भी है, वो देती है, तो अपने घर पे तो कुछ नहीं खाती है, तो इसलिए मैं और लेके जाती हूँ कि कुछ खा लेगी आंटी के घर पे। एक्चुअली बच्चे आपस देख के ज़्यादा खाते पीते, अकेले रहते तो नहीं खाते पीते हैं, तो यही हाल साक्षी का भी है। तो उसे यहाँ बहुत मज़ा आता है, सीढ़ी पे चढ़ती है। तो मैं बोल रही हूँ कि साक्षी चले आप, तो वो मना कर रही कि नहीं चलना है, वो भी और खेलना चाहती है। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इन दिनों मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, कभी शूट कर पाती हूँ कभी नहीं शूट कर पाती हूँ। इसका रीज़न ये भी रहता है कि मेरे घर में सब रहते हैं, तब मैं अपना कोई सेल्फ वीडियो नहीं बनाती हूँ। और इस वक्त कोई नहीं है, बस मेरा बाबू है, तो वो सोया हुआ है, तो मैं बना रही हूँ। मैंने दिखाया कि मैं ब्लाउज बना रही थी, तो किस तरह मैं उसके बाजू पे वर्क नहीं आ रहा था, जो उसमें वर्क दिया हुआ था कपड़े में, तो मैंने नेट का अलग से फैब्रिक लेके आई और उसको मैंने निकाल के दिखाऊंगी। मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दिखाऊंगी मैं बना के। और एक्चुअली कल क्या हुआ था, हमारा जो छोटा बाबू है कार्तिक, तो वो सुबह से बहुत रो रहा था, तो हम सोचे कि उसके पेट में गैस बनी होगी इसलिए रो रहा है, तो हींग वगैरह ये सब हमने पिलाया जो देना चाहिए कि आराम हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा, तो उसके बाद उसको आराम हो भी रहा था और नहीं भी हो रहा था, फिर भी थोड़ी देर में शांत रह रहा और फिर रो रहा। बाकी दिन तो वो आराम से खेलता था, लेटा दो फीडिंग करा के तो आराम से लेट के खेलता रहता था, बातें करता था, लेकिन कल ज़्यादा ही परेशान था। फिर क्या हुआ सडनली कि शाम को भाभी फिटिंग करा रही थी, तो देखा उसके ईयर में कुछ फुंसी थी और कुछ यहाँ पे फूला फूला था उसके, तो देखा तो कुछ जैसे लिक्विड सा भी था कान में। तब मैं तुरंत उठी और भाभी को लिया, इसको बाबू को लिया, तो हम दूर हैं थोड़ा, तो मैं भाभी को लेके गई, बाबू को लेके, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने दवाई दी। डॉक्टर भी हैं, बच्चा है, तो उनको बताना चाहिए कि क्या रीज़न से हुआ।
तो जब तक पूछो नहीं डॉक्टर तो वो बताते ही नहीं, उनको बताना चाहिए कि ये रीज़न से हुआ, तो आगे से नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा उसके साथ। तो उन्होंने दवाई लिख दी तो हमने दवाई ली, फिर मैं दिखाने जब डॉक्टर को गई हूँ तब मैंने पूछा कि ये क्या रीज़न से हुआ है, तो तब जाके जब मैंने पूछा है तब जाके डॉक्टर ने बताया है कि ये लेट की फीडिंग कराने से हुआ है। अभी नहीं पूछती मैं तो वो नहीं बताते और फिर ये सिलसिला चलता रहता, उसको लेट की फीडिंग कराती रहती भाभी मेरी, तो उनको बताना चाहिए ना, जब मैंने पूछा तभी बताए। और जो लोग नहीं पूछते होंगे और उनको क्या, उनको बस दवाई दवाई देने से मतलब है कि हमारे पास आते रहें, हमारी दवाइयाँ हम दवाई देते रहें। और हस्बैंड तो जब से थोड़े दिन तो ठीक से बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा वीडियो सब देख रहे हैं। मैंने कहा उन सबको कैसे पता चला, यूट्यूब पे हो सकता है किसी को दिखाई दिया हो, फिर ऐसे करके और लोगों को बताया हो। तो मैं बहुत ज़रा टेंशन में थी, मैंने कहा वो सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर और बताया कि ससुराल में भी आसपास के लोग देखते हैं, कह रहे तो अरे तुम्हारा तो फ़ायदा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरा फ़ायदा ही है, मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट होगा। तो मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मैं कदम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी और मैं ब्लॉग आगे बनाती रहूंगी कंटिन्यू, तो मैं अब कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। अब मैंने स्टार्टिंग करी है, हिम्मत करी है तो मैं, और मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि अपनी थ्रेडिंग करूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। टाइम मिले भी आज मैं सोची कि हाँ बाबू मेरी सो गई है तो चलो बना लिया जाए, तो फिर उसके बाद वो उठ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं उठ गई तो कोई बात नहीं, अब मैं इसको बनाऊंगी। तो मैं चली तो देखा तो थ्रेड ही नहीं है, थ्रेड नीचे वाले रूम में था, तो मैंने कहा कि अब चलो अब नेक्स्ट डे। अब ऐसे नेक्स्ट डे होता जा रहा है, अब मेरा देखो ग्रोथ कितना ज़्यादा आ गया है थ्रेड का। मैंने काफ़ी सारे जो ब्लाउज है वो स्टिचिंग करने हैं, और कुछ के मैंने बनाए हैं कंप्लीट किए हैं, लेकिन उनमें मैंने हाफ स्लीव लगाई है। तो मैंने सोचा कुछ जो वर्क वाली साड़ियों के ब्लाउज हैं तो उनमें मैं फुल स्लीव लगाऊं, तो मैंने वही लेके आई थी फुल स्लीव, तो नेट का स्लीव है तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दोपहर में मैं आज थोड़ा सा भी आराम नहीं करी, मैंने कहा चलो वो सब आराम कर रहे हैं, बाबू भी सोई हुई है मेरी, तो मैं धीरे धीरे सिलाई मशीन चला रही थी कि किसी आवाज़ ना जाए। फिर भी वो दो तीन बार उठी थी, फिर उसको मैंने सुलाया उसके पास जाके तो वो सो गई थी। तो अभी मम्मी उसको पार्क लेके गई हैं और बाबू मेरा सो रहा है, भाभी खाना बनाने गई हैं, तो ये टाइम है मेरा खाली, तो इसे मुझे वीडियो भी शूट थोड़ी कर लेती हूँ मैं, और थोड़ा बस सिर्फ लगानी है, फिटिंग वगैरह सब हो गई है। मैं कभी वो फुल कम्प्लीट कैसे मैं निशान लगा के कट करती हूँ कैसे सिलती हूँ तो वो मैं बताऊँगी। अभी मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, एक्चुअली चार्ज लगा रही हूँ। आज मेरी एक फ्रेंड, आज संडे है तो आज मेरी फ्रेंड लाइव पे आने वाली थी, जो मेरी फर्स्ट फ्रेंड है वो लाइव पे आने वाली थी, लेकिन फिर मैं ध्यान नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी, तो फिर उसके बाद ध्यान आया तो मैंने फिर ऑन किया यूट्यूब, तो वो लाइव पे थी, लेकिन सबके कमेंट आ रहे थे लेकिन उनका जो वीडियो था वो उनकी फ़ोटो बस आ रही थी और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई। और वो बोली थी कि प्लीज़ सब आना, मेरा फर्स्ट लाइव है, तो मुझे भी शौक था उनसे बात करने के लिए, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी उन पर। और जो बाकी लाइव पे आते हैं तो मैं जाती रहती हूँ उनके लाइव पे, तो काफ़ी सारे फ्रेंड मिलते हैं तो सबसे मिलना जुलना रहता है, हमको लेटर दो हमको सब सब्सक्राइब कर लेते हैं, बहुत अच्छे हैं सब। और मैं भी YouTube पे सब कहते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लेकिन फुल वॉच कोई नहीं करता, बस क्या करते हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, वीडियो पे जाते हैं, नाइस वीडियो या जो वीडियो में अच्छा लगता है वो कमेंट कर देते हैं बस, और फुल वॉच करते ही नहीं। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए वीडियो को, और हम भी आप सबकी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो आप सब भी हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तो इससे हम दोनों को ही फ़ायदा, मतलब हम सबको ही फ़ायदा होगा। और या तो वॉच ही मत कीजिए,